दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों दुनिया जैसे जैसे ऑटोमेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना विकास करती चली जा रही है, वैसे वैसे मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की एक बात याद आती है कि क्या हम किसी सिमुलेशन की दुनिया में जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने 2023 में खासा प्रभावित किया है और अब 2024 में भी इसका खासा प्रभाव रहने वाला है। यानी सिमुलेशंस से बने बड़े बड़े मॉडल दुनिया के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से स्टीफन हॉकिंस की मशहूर लाइन याद आ रही है वैज्ञानिकों को कि क्या हम किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं। इसको लेकर हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म द मैट्रिक्स में भी पूरी दुनिया एक मायाजाल बताया गया था, यानी वास्तव में यह एक सिमुलेशन है। वहीं कुछ सालों में एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस की अवधारणा ने वैज्ञानिकों को काफी चौंकाया। तो आज हम इसी सिमुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सिमुलेशन यानी किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट साथ के साथ किसी इवेंट का आभासी रूप से कंप्यूटर में बनाए गए मॉडल को सिमुलेशन कहा जाता है। इसको लेकर सिमुलेशन हाइपोथेसिस केवल एक वैज्ञानिक फसादी कल्पना नहीं बल्कि यह अवधारणा सही भी हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने एक बार कहा था कि हम क्या किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं। यानी वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, इन दोनों को लेकर वैज्ञानिक हमेशा से ही चर्चा करते रहे हैं और यही वजह रही कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी ने दुनिया को प्रभावित किया, तब से इस बात के कयास और भी वैज्ञानिक तेजी से लगा रहे हैं कि क्या हमारा ब्रह्मांड और पूरी पृथ्वी किसी सिमुलेशन के अंदर चल रहा है। यानी असल में एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन हो सकता है जो कि काफी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया हो। वैज्ञानिक हमेशा से ही एलियंस की बात भी करते रहे हैं। एलियंस यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मानव या कोई भी प्रजाति जो हमारे ब्रह्मांड से किसी दूसरे ब्रह्मांड में निवास करती है, यानी कोई न कोई हमें भी मॉनिटर कर सकता है और यही अवधारणा है सिमुलेशन की। इसको लेकर कई सारे वैज्ञानिक कई तरह के ऑब्जर्वेशन भी देते रहे हैं कि सूक्ष्म स्तर पर हमारी सीमा हम नहीं जानते। यानी हो सकता है कि स्पेस टाइम और कणों की अवधारणा अनिश्चितता का सिद्धांत एक सिमुलेशन, यानी कंप्यूटर में आभासी दुनिया भी वास्तविक दुनिया से अलग हो सकती है या होकर उसी तरह से आकार भी ले सकती है। उससे इस अवधारणा को भी बल मिलता है कि हम केवल एक सिमुलेशन मात्र हो सकते हैं, यानी किसी हमसे ज्यादा उन्नत सभ्यता का एक सिमुलेशन। नमस्कार।